मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सागर जिले के बीना में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों के खातों में राशि हस्तांतरित की है। सागर जिले के बीना कृषि उपज मंडी में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत खातों में 1574 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। इस दौरान सीएम सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों के खाते में 332 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर किए। इस कार्यक्रम के पहले ही कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने लाडली बहना योजना की राशि अगस्त की तरह 1500 रुपए देने की मांग की। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। इंदौर भोपाल से पीछे रहने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमारे अपने यहाँ किस बात की कमी है? हमारे परमात्मा की दया से बड़ी आबादी है। आने के जाने के मार्ग अच्छे हो गए, रेल मार्ग अच्छे हो गए। बहुत जल्दी मध्य प्रदेश सरकार पूरे देश के अंदर एयर कार्गो लाने वाली है। एयर कार्गो हमारे यहाँ से हवाई यातायात के माध्यम से दुनिया में व्यापार व्यवसाय के लिए मध्य प्रदेश वो केंद्र बनने वाला है जहाँ ये सुविधा हमारे माध्यम से मिलने वाली है। जब गुड़गांव अच्छा हो सकता है, गुड़गांव में एयर कार्गो हो सकता है, तो देश के अंदर तो मध्य में मध्य प्रदेश हमारी सरकार ने तय किया है। और अभी अपने बीच में कई सारी योजना इतनी सारी चालू कर दी, आप एक एक योजना की बात याद दिलाऊंगा तो लंबी हो जाएगी, लेकिन हम याद दिलाना चाहेंगे। कांग्रेस के बड़े बड़े लोग वो बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि अपने घर में हेलीकॉप्टर लाने लगे, अपने घर से उड़ते और घर से वापस आते जाते हैं। गरीब आदमी का लेना देना नहीं। हमारी सरकार बनी माननीय गोपाल जी से लेकर पूरा मंच यहाँ है। हमने पहले ही बैठक में निर्णय किया कि ये गरीबों की भी जान है, उनकी भी इज्जत करना चाहिए।